चौथा, जो भी आपके टेस्ट में निगेटिव मार्क है, सेल्फ एनालिसिस करिए उसको। एक्स वाई जेड अलग अलग पर्सन की गलती करने के तरीके अलग अलग होते हैं, उसको धीरे धीरे ठीक करिए, उस पर काम करिए, समय निकालिए। सर समय ही तो नहीं, इतने क्लासेस होती रहती है, फिर ये भी काम करना, वो भी काम करना, तो आपको क्या लगता है अब क्या किया जाए इसके लिए? फिर छोड़ दिया जाए या इसको करना है? सर करना है तो फिर कैसे होगा, ये तो आप डिसाइड करेंगे। आप पांचवी क्लास के बच्चे हैं क्या? आप टेंथ क्लास के बच्चे हैं क्या? नहीं, तो फिर आप डिसाइड करेंगे ना। आपका टाइम टेबल, आपका बायोलॉजिकल साइकिल, आपकी वीकनेस, आपके सोचने का तरीका एकदम अलग है। अब बच्चे नहीं है, अब अगर तुम इस बार सेलेक्ट हो जाओगे, मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, फिर वहां की पढ़ाई को कैसे मैनेज करोगे? और उसके चार साल बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे, फिर किससे स्ट्रेटजी पूछोगे कि पेशेंट देखने का स्ट्रेटजी बताइए? हाँ, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद संघर्ष करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अपने इंटेंशन से करेंगे, अपनी प्रायोरिटी से करेंगे, क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे करेंगे। टाइम नहीं मिल रहा तो निकालिए, देखिए 24 घंटे में कहां जा रहा सब। आखिर जो सेलेक्ट होगा, क्या उसको 30 घंटे मिल रहे हैं क्या दिन में? उसको भी 24 घंटे मिल रहे हैं और आपको भी इतने ही मिल रहे हैं, तो आपको उसी में निकालना पड़ेगा। आपको लगातार सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। बिना टेस्ट दिए आपको वीकनेस नहीं पता चलेगा, गलतियां नहीं पता चलेगा, तब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे। 300 नंबर आ रहा है ना, अभी 6 महीने हैं, तो रोज हर टेस्ट में सिर्फ 10-10 नंबर गोल लेके चलेगा। 300 से तेरा 500 कभी नहीं आ सकता, चाहे तू कितना पढ़ ले। 300 आ रहा है, तू टेस्ट छोड़ दे, पढ़ने लग जा, खूब पढ़ने लग जा, मेहनत कर, टेस्ट दे, फिर 300 ही आएंगे, 500 नहीं आ सकते। जब तेरे नंबर 300 आ रहे थे तो क्यों आ रहे थे? उसको एनालिसिस कर, कुछ ना कुछ गलती होगा। सब 20 गलतियां ऐसी, तो एक पे काम कर, एक को ठीक कर, 305 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, 310 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, 315 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, 320 आएंगे। अगली बार एक और ठीक कर, 100 गलतियां हैं, कोई बात नहीं, एक एक पे काम कर। 100 गलतियों पे एक साथ आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर पता है कि 100 गलती है तो एक गलती को आइडेंटिफाई करके उस पर आप काम कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल होंगे। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए। और टेस्ट देने से पहले, जैसे मैंने बताया था कि बल्क में आप टेस्ट पेपर खरीद लीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। आपको कम से कम नहीं भी तो 10,000 सवाल फिजिक्स में सॉल्व करने पड़ेंगे। सर इतना कैसे हो पाएगा? तुम ऑलरेडी कर चुके हो 4-5 हजार। तो काइनेमेटिक्स मैंने कितने सवाल कराए थे? 250-300। तुमने टेस्ट दिया था, डीपीपी किया था, कितने सवाल हो गए? 700 हो गए। ऐसे ऐसे करके तुमने 13 चैप्टर पढ़ लिए, 5-6 हजार तो तुमने कैसे कर लिए? इसका मतलब यही है कि क्लास ढंग से करो। जब मैं कहता हूं तुम्हें 8,000 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ क्लास कर लो ना, ये बड़ी बात है क्या? मैं तुम्हें कहता हूं 8,000 सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें 6,000 तो मैंने करा दिए। ऑन एवरेज सारे चैप्टर में मैंने 200 से प्लस ही सवाल कराए, तो 10,000 सवाल तो मैंने करा दिए। तो मैंने बोला 10,000 सवाल करने पड़ेंगे, जो तुम 200 सवाल करने पड़ेंगे, अरे कुछ इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरा क्लास नोट्स पढ़ना पड़ेगा, समझ इस बात को। तुम्हें 10,000 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे नीट में सेलेक्ट होने के लिए, 10,000 सवाल, तभी जाके तुम्हें नीट एग्जाम में देखे हुए सवाल मिलेंगे, वही कंसेप्ट के सवाल मिलेंगे, रिपीटेड सवाल आ जाएंगे। इसके लिए तुम्हें 10,000 सवाल टेस्ट करके जाना पड़ेगा। इस पूरे स्टेटमेंट का दूसरा मतलब है, तुम्हें मेरा नोट्स पढ़ के जाना पड़ेगा। हर चैप्टर में 250-300 सवाल करें, 250-300 सवाल करें साहब हर चैप्टर, 28 से 30 चैप्टर है, हो गया काम? समझ में आया कि नहीं है?